हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल फॉर ऑल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आज के टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे 90% जो स्कूल है वहाँ पे सिर्फ बच्चों को रटाया जाता है, याद करवाया जाता है और उनको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। हम लोग जो मैक्सिमम बात करते हैं कि हर एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो हमेशा एक बच्चे के अंदर इंकल्केट करनी चाहिए उसको स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि 4C के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना, कोलैबोरेशन के साथ में काम करना, क्रिएटिव होना, कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बेटर होना। लेकिन आजकल के स्कूल के अंदर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मिस है, जो कि देखने को मिलती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना, जहाँ पे हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत पीछे जाता है, लेकिन हमारा एशियंट जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग काम है जो कि किया करता था। तो हम लोग जो है वो एजुकेशन के अंदर किस तरीके से जो है वो पीछे चले गए उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर कैसे पढ़ाई हुआ करती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि वैदिक एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि कौन कौन से सोर्सेज थे जहाँ से पढ़ाई होती थी, एम क्या था उस एजुकेशन का, कौन कौन से रूल्स थे, क्या रोल था टीचर स्टूडेंट का, कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे, साथ में कौन सा करिकुलम हुआ करता था, और उसके बाद में आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बात करेंगे। तो ऐसे नियर बाय 9 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, जब मैं ये बोलता हूँ कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं आज से कितने साल पहले, मतलब 3,500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके, मैं बात कर रहा हूँ 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में, यानी कि आप 2000 साल पहले जीरो पे चले जाओ, उसके बाद में 1500 साल और पीछे चले जाओ, तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक का जो ये टाइम था, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक एज, यानी कि वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम इसी टाइम के ऊपर है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ करता था। ओके, उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें और अलग है जो कि बदलती चले गई, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजरली बात कर रहे हैं हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में, गुरुकुल जिस टाइम पे हुआ करते थे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडियन वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जो कि उस टाइम पे पढ़ाया जाया करते थे। मेजरली आपने सुना होगा हमारे पास 4 वेद हैं, है ना, जो कि पढ़ाया जाया करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें 6 वेदांत थे, उसके अलावा 4 उपवेद थे, 108 उपनिषद थे, 6 स्कूल थे, फिलॉसफी के भगवत गीता हो गई, समृति 3 समृति हो गई, ओके 4 ब्रह्मनाज हो गए। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जो कि हमारे एजुकेशन के, वैदिक एजुकेशन सिस्टम के जो है वो हुआ करते थे। मेजरली 2 तरीके की एजुकेशन है जो कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हुआ करती थी, एक था सोशल एस्पेक्ट को लेकर और एक था नॉलेज के एस्पेक्ट को लेकर। सोशल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको कैसे सोसाइटी के अंदर रहना है, कैसे बिहेव करना है, कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आपको अपनाने चाहिए जिससे आपका सोशल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि स्ट्रांग हो सके। दूसरा आपका एजुकेशन एस्पेक्ट हुआ करता था, यानी कि आपको सेल्वेशन आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे जो है वो इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, इन 2 चीज़ों के ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम बेस्ड हुआ करता था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एम है जो कि हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के हुआ करते थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम था हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम का था वो था सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ओके, यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो किस चीज़ में अच्छे हैं, उसी चीज़ की ट्रेनिंग है जो कि दिया करते थे। ओके, अगर मैं और एशियन में चले जाऊँ तो फॉर एग्जांपल भीम की पावर देखकर जो है उसको ट्रेन किया गया, अर्जुन को उसकी पावर देखकर उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है उसको देखकर ट्रेन किया गया था, है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी तरीके से जो है वो ट्रेन किया था, जो हम लोग मैथोलॉजिकल हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम के अंदर इसी तरीके से हुआ करता था, है ना। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि एम था हमारे इस वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। उसके बाद में बात करें तो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और आपके फिजिकल एटीट्यूड कैसा है उसको इंप्रूव करने के ऊपर काम किया करते थे। प्रिजर्वेशन करना, कल्चर का ध्यान रखना, एशियन कल्चर को इनकलकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपके सोशल और सिविक जो ड्यूटीज हैं उनको कोई कैसे फुलफिल करेगा उसके ऊपर जो है एक बच्चे को पढ़ाया जाता था।
उसके अलावा वोकेशनल हेल्थ की ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, ये सब भी करवाया जाता था और एक इंडिविजुअल को ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करवाया जाता था। यानी कि अगर आप इतनी सारी खूबियाँ देख रहे हो जो कि मैंने आपको वैदिक एजुकेशन सिस्टम में बताई है, तो ये सारी की सारी आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं लैग करती है। हमारे स्कूल के अंदर आज के जो स्कूल है वहाँ पर इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेंटली अपलिफ्टमेंट एक बच्चे का होगा इसकी कोई गारंटी है जो कि नहीं है। उनको इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता कि उनका ब्रेन, उनका जो है वो साथ में ग्रो कर सके, वो कॉन्शियसनेस जो है उनकी वो आगे बढ़ सके, वो इम्प्रूव हो सके, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा फोकस है जो कि नहीं करवाया जाता। अगर मैं सिस्टम ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो उपनयन और है ना, जो सिस्टम ऑफ एडमिशन को बोला करते थे उपनयन, और एक सेरेमनी हुआ करती थी उसके बाद में 8 साल, 11 साल और 12 साल, इस एज ग्रुप के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के एडमिशन है जो कि यहाँ पे हुआ करते थे इस एज ग्रुप के अंदर। ओके, यहाँ पे एशियंट जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था वो बस यही था कि जो शूद्र जो डिवीजन किया हुआ था, ओके, वो उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड है जो कि नहीं किया गया, ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक्चुअली के अंदर देखो क्या है कि जो आपके ऋग्वेद भी लिखे गए ना, वो कुछ एक ऋग्वेद बहुत बाद में लिखे गए हैं, है ना, जैसे कि मंडल 10 है, साथ में फर्स्ट और 10 है, इनको 500 BC के बाद में लिखा गया। यानी कि जो डिवीजन सोसाइटी में किया गया था ये स्टार्टिंग के अंदर नहीं था, है ना, वैदिक पीरियड में नहीं था, ये उसके बाद में ही है जो कि इन्होंने डिवीजन किया था। ओके, लेकिन फिर वही था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऋग्वेद सिस्टम, इसीलिए लोगों ने जो है उसको अपनाना चालू कर दिया, उसको मानना चालू कर दिया और चीज़ें जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली है जो कि हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम के बारे में। तो वैदिक एजुकेशन का जो करिकुलम था वो बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ पे आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, आपको साइंस पढ़ाई जाती थी, आपको अर्थमेटिक पढ़ाई जाती थी, आपको जो भी फील्ड के अंदर आप अच्छा करना चाहते हो उसके बारे में पढ़ाया जाता था। मेजरली जो ब्राह्मण बच्चे थे उनको वैद पढ़ाए जाते थे, जो क्षत्रिय थे उनको वॉरफेयर, और साथ में जो वैश्य बच्चे थे उनको कॉमर्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता था। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है वो स्पेसिफिक किसी चीज़ के अंदर ट्रेन होना चाहता है तो वो भी जो है इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको इम्प्रूव करने को पूरी छूट थी और वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता था। तो करिकुलम जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है जो कि कर रखा था। अब साथ में एक ब्रह्मचार्य रूल है जो कि बच्चों को पहले फॉलो करना पड़ता था अगर वो गुरुकुल के अंदर आते हैं तो पढ़ने, उनको सेलिबेसी यानी कि उनको शादी जो है, अनमैरिड जो है बच्चे थे उन्हीं को वहाँ पे अलाउ है जो कि हुआ करता था। उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा परफ्यूम, फ्रेगनेंस, है ना, कुछ ऐसी चीज़ जो है वो यूज़ करना अलाउ नहीं था जो कि आपके डिस्ट्रैक्टिव बने, ओके, आपके पढ़ाई के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। आज के टाइम पे जहाँ पे बच्चों को बात करने के लिए क्लास में मना किया जाता है, उस टाइम पे प्रमोट किया जाता था कि आपस में आप बातचीत करो, आपस में अपने थॉट को जो है वो शेयर करो। तो एक ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है जो कि उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता था। कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी थे, जैसे कि गुरुकुल का मतलब तो है जहाँ पे टीचर आसपास के रहते हैं और वहीं पर स्कूल है, उसी प्रकार से एक परिषद था जहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट के कई सारे टीचर हैं जो कि रहते थे और वहाँ पे पढ़ाया करते थे। सम्मेलन हुआ करते थे, यानी कि जो डिबेट कॉम्पिटिशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट के कॉम्पिटिशन है, वो मेजरली राजा के सामने जो है वो सब अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए सम्मेलन के अंदर है जो कि आया करते थे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रोल क्या था टीचर्स का और साथ में स्टूडेंट्स का उस वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देखिए उस टाइम पे वैसे तो क्या आचार्य जो है वो गुरु को बोलते थे, लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है वो वहीं से डेरा होता है। जीव का मतलब होता है डार्कनेस एंड आर्यु का मतलब होता है कंट्रोलर। तो जो डार्कनेस को कंट्रोल करे उसको गुरु कहा जाता था, जो कि आपको डार्कनेस से लाइट में लेके जाए उसको गुरु आचार्य जो है वो कहा जाता था। तो मेजरली जाए जो फर्स्ट सेरेमनी हुआ करती थी है ना उपनयन, उस टाइम पे जो है वो बच्चे जो उनके टीचर्स हैं उनके पास में चले जाया करते थे, और एक टीचर जैसे एक फादर एक बच्चे को रखता है, जितना प्यार करता है, स्नेह करता है, उसी तरीके से एक टीचर अपने स्टूडेंट को जो है वो रखा करते थे, उनको इतनी नॉलेज है जो कि दिया करते थे, ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज, उनको फिजिकल नॉलेज, उनको मेंटल नॉलेज, हर तरीके से जो है उनको एफिशिएंट बनाने को लेकर पूरी कोशिश है जो कि एक गुरु किया करते थे। अगर हम बात करें साथ में शिष्य जो है उनके भी कई सारे जो है ड्यूटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि वो हमेशा ओबे करेंगे है ना, वैसे ही हमेशा अगर गुरु उनसे कुछ मांगेगा है ना, जैसे कि गुरु दक्षिणा जिसको अपन कहते हैं, तो वो जो है वो पूरी करेंगे, जो जो चीज़ें उनको सिखाई जाएगी उसका वो पूरा पालन करेंगे है ना, जो जो रूल्स रेगुलेशन उनके लिए बनाए गए हैं उनको वो ब्रेक नहीं करेंगे, और अगर उनको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट होता है तो वो गुरु से जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो है वो शिष्य के लिए भी बना रखे थे। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो 3 प्रकार की टीचिंग के मेथड हैं जो कि उस टाइम पर हुआ करते थे। एक तो था श्रवण यानी कि सुनना, बहुत ज़रूरी होता है ना,
तो सबसे पहले सुनना कि आप लिसनिंग पावर आपकी इंक्रीज क्या करते थे, जो टीचर बोलते थे वो आपको सुनना पड़ता था। ओके, आज के टाइम पे ये वाली चीज़ जो है वो बहुत कम हो गई है। ओके, स्कूल के अंदर फोर्सली बच्चों को सुनाया जाता है, लेकिन गुरुकुल सिस्टम में ऐसा नहीं था कि इतनी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, इतना पढ़ाने का तरीका अच्छा था कि लोग सुनना पसंद करते थे। इतना नॉलेजेबल टीचर्स हुआ करते थे कि उनको सुनना किसी भी शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सेकेंड जो था वो था मनन, यानी कि आप क्या करो, इंटरनलाइज करो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। और तीसरा जो है वो मेडिटेशन। ओके, तो ये तीन तरीके से जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग थे। मेडिटेशन भी सिखाया जाता था ताकि जो रियलाइजेशन जो है वो आप कर सको, समझ सको, अपने आप को जान सको। उसके बाद में आज के टाइम पे कई सारे ऐसे मॉडर्न एफर्ट भी लगाए गए हैं वैदिक एजुकेशन को वापस से इंकल्केट करने को लेकर। ठीक है, आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे एफर्ट्स भी जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि वापस से गुरुकुल एजुकेशन के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो तरीका है पढ़ाने का, उसको वापस से मॉडर्न एजुकेशन के अंदर है जो कि लेके आया जा सके। तो ना सिर्फ इंडिया में जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, ये पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी नोन हुआ करता था। तो काफ़ी जगह पर ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शांति धर्म वैदिक गुरुकुल संस्कृत पाठशाला का, ये एक बैंगलोर के अंदर है और इसको 1997 के अंदर स्टार्ट किया गया था, डोनेशन के द्वारा ही चलता है ना, और सिर्फ प्रोफेशनल क्लासेस के लिए थोड़ी बहुत फीस है जो कि चार्ज की जाती है। स्टूडेंट को कोई फी बोर्डिंग के लिए, फूड के लिए, बुक्स के लिए यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। CBSE से रिलेट करके जो है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के मिल सके, है ना। वैसे ही हेमचंद्र संस्कृत पाठशाला, वो आपको अहमदाबाद में भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे उत्तम भाई शाह, उनके द्वारा बनाया गया। इसके अंदर भी आप कैसे काउ डक को काम में ले सकते हो, ऑर्गेनिक फूड को, फ्रेश मिल्क को, इन सबको कैसे काम में ले सकते हो, वो यहाँ पे बताया गया। गुरुकुल में वैदिक टेक्स्ट के ऊपर, आर्ट एंड साइंस के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता था। उसी प्रकार से महर्षि संधिपानी राष्ट्रीय वैद्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उज्जैन में, जो कि वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। 450 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज पूरे देश में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि वो इस महर्षि जो संधिपानी राष्ट्रीय वैद्य विद्या पाठशाला प्रतिष्ठान है, जो एक एजुकेशन सिस्टम है वैदिक लिटरेचर के ऊपर, इसको एक फॉर्मल बॉडी बनाएगा और कोशिश करेगा कि देश में गुरुकुल के और स्कूल है जो कि सेटअप किया जा सके, ताकि हम लोग हमारे वैद्य को और साथ में जो संस्कृत है उसको वापस से जो है वो रिवाइव कर सके, और जो अच्छी क्वालिटीज़ थी हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में उसको प्रेजेंट मॉडर्न एरा के अंदर लाके हमारे स्कूल के सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। ओके गाइस, तो ये था एक कम्प्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वैदिक एजुकेशन सिस्टम। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको क्या सही लगा वैदिक एजुकेशन सिस्टम में और क्या गलत लगा, मैं आपके थॉट जानना चाहूँगा। तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप एक बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो smileforallsociety.org के वेबसाइट पे जाके आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेकर ओके अपना 500 रुपीज पर मंथ एक पिज्जा की कॉस्ट में बच्चों का एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।